गुड मॉर्निंग। तो कल हमने किया था प्रेडिक्टेबल विद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आज मैं बताऊंगा आपको सिंपल जो केमिस्ट्री में होता है कि हम फार्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसके मेथड्स बताऊंगा। तो उसके लिए एक बात है कि आपको वैलेंसी जो है इसकी टेबल की पता होनी चाहिए। जैसे ग्रुप नंबर 1 यहाँ था, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये हमारा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर दिया, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये जो ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर चार्ज होता है +1, ग्रुप 2 में जो एलिमेंट है उनके ऊपर चार्ज होता है +2, जो 13th ग्रुप में एलिमेंट है जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, उसके ऊपर चार्ज होता है +3। ऐसे ही अब इस साइड से करें तो नोबल गैसेस 0। ग्रुप नंबर 17 में मैंने बताया था हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं -1। और ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, ये होते हैं -2। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये होते हैं -3। अब बीच में बचा कार्बन वाली फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, तो इसके ऊपर चार्ज +4 और -4 हो सकता है। तो ये चार्ज के बेस पे हम फार्मूला लिखते हैं। जैसे मान लो इसमें एच, दूसरा इसमें था लिथियम, तीसरा इसमें था सोडियम था, इसके सामने था बेरिलियम और इसके सामने था Mg। जैसे आप नॉर्मली फार्मूला लिखते हो, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आपका आ जाएगा 1+, और क्लोरीन आपका है 17th में, तो ये आ जाएगा 1-। तो ये चार्ज को क्रिस क्रॉस मेथड में सुना होगा, तो उससे हम इसका फार्मूला ऐसे लिख लेते हैं। तो ऐसे कुछ फार्मूले मैं आज बता रहा हूँ। तो इसके अलावा जैसे आपने लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए आप लिखोगे Al3+ चार्ज होता है, Cl के ऊपर -। तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा AlCl3। ये है टेबल के बेस पे, हम जैसे उसकी वैलेंसी पता हो तो हम उसका फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड होता है वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइंडिंग कैपेसिटी। जैसे इसको अगर हम यहां से स्टार्ट कर लें, सेकेंड पीरियड ले लें, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड के। तो दिस इज सेकेंड पीरियड, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब तक आपने सीखी है, इसकी आ जाएगी 2-1, इसकी आ जाएगी 2-2, इसकी आ जाएगी 2-3, इसकी आ जाएगी 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। दो शेल होगी, जैसे KL, के फर्स्ट शेल होती है, एल दूसरी, एम तीसरी। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बोरोन की, तो
तो टू थ्री मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स इन के एंड थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एल, सॉरी के थ्री इलेक्ट्रॉन इन के मीन्स वैलेंस शेल होती है जो बाहर वाली शेल हो। तो अगर हम इसमें लिखें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे जो इसमें वैलेंस शेल में नजर आ रहे हैं, जो के में नजर आ रहे हैं, इसका एक, इसका दो, इसके तीन, इसके चार, पांच, छ, सात और आठ। अब मैं इसकी लिखूंगा वैलेंसी। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार या चार से कम है। तो इसकी वैलेंसी वन, इसकी वैलेंसी टू, इसकी वैलेंसी थ्री, इसकी वैलेंसी फोर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर चार से ज्यादा हो जाए तो हम उसको एट में से माइनस कर देते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली की हो जाएगी टू, ठीक है, हैलोजन की हो जाएगी वन और नोबल गैस की हो जाएगी जीरो। जीरो वैलेंसी का मतलब होता है कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। वन का मतलब होता है कि वो एक बॉन्ड बनाएगा, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब देखिए, दिस इज एच टू ओ वाटर, तो वाटर को हम ऐसे लिखते हैं। अब आप देखो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, दो, एक उस साइड एक उस साइड, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, टू। हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी वन उसने भी वन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, वन। तो जितनी उसकी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। हम इसमें चेक करते हैं नेक्स्ट। अब देखें एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे, आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें भी हम इनकी स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे थी तीन, तो देखो नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बना लिए लेफ्ट राइट और नीचे। हाइड्रोजन की वैलेंसी वन, उसने वन बॉन्ड बना लिया, ओके। अब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चेक करेंगे, वो है एस्टिक एसिड। दिस इज योर एस्टिक एसिड, तो इसको हम अगर खोल के लिखें स्ट्रक्चर को तो ये कुछ ऐसी होती है, सी ओ ओ एच। स्ट्रक्चर आपकी तभी सही होगी अगर उसमें सभी इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो ठीक है। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है चार, तो इसमें दो कार्बन है, अब दोनों कार्बन के चार चार बॉन्ड होंगे। इस कार्बन के चार बॉन्ड है एक दो तीन चार, इस कार्बन के भी चार बॉन्ड है एक दो तीन चार, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी है दो, तो दो ऑक्सीजन है, दोनों के आप चेक करो कि दो दो बॉन्ड है, इसके भी दो है एक और दो, और इस ऑक्सीजन के भी ये दो डबल बॉन्ड है मतलब एक और दो। हाइड्रोजन की वैलेंसी वन है, तो सभी हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना रखा है। तो अगर आप वैलेंसी में गड़बड़ करोगे तो इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वैलेंसी से ज्यादा कोई एलिमेंट बॉन्ड बना लेता है, जैसे मैं कहता हूँ H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी H के साथ दो हाइड्रोजन, ये तो ठीक थी ऊपर वाटर, अब इसी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और आ गया, तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो है टू, लेकिन उसने बॉन्ड कितने बना लिए, थ्री। तो जितने बॉन्ड ज्यादा बनाएगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जितने कम बनाएगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सीधी सी बात वैलेंसी से, जैसे मैं कहता हूँ NH4 अमोनियम आयन होता है, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी हाइड्रोजन चार लग के नाइट्रोजन के साथ ऐसे। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो तीन है, लेकिन इसने बॉन्ड कितने बना लिए, चार, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं NH2 नेगेटिव, इसको अमाइड आयन बोलते हैं, अमाइड आयन, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं बस, तो लेकिन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की वैलेंसी तो तीन होती है,
तीन है लेकिन बॉन्ड दो बने हुए हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, नेक्स्ट प्लस वन में भी आप पढ़ोगे। तो ये कैसे निकालते हैं, वैलेंसी के बेस पे। अगर किसी की वैलेंसी ज्यादा हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज्यादा हो रही है, अगर कम हो रही है तो नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है कुछ हमारे पास बेसिक एसिड्स जिसके बेस पे हम कुछ फार्मूले ड्राइव करते हैं, अब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इसको आप एक कॉपी पे लिख लेना, ये बेसिक केमिस्ट्री है, ये आपको आनी ही चाहिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ। तो जैसे मान लो आपके पास है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से मैं अगर एक H ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाता है HSO4-। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से दोनों ही H ले लूँ तो ये बन जाएगा HSO4-। क्योंकि H पॉजिटिव होता है, उसको अगर निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा पीछे उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दो टाइप के सॉल्ट बनाएगा, इसको बोलते हैं हम बाई सल्फेट आयन और इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। तो बाई सल्फेट आयन को हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं आजकल। तो जैसे मान लो आपने फार्मूला लिखना है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो मैग्नीशियम आप कहां से उठाओगे, प्रोडक्ट टेबल में से। मैग्नीशियम ग्रुप टू में होता है और ग्रुप टू की जो वैलेंसी है, ये रहा मैग्नीशियम, इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस टू, ठीक है। तो आप लिखोगे Mg2+। सल्फेट आयन ये रहा आपका SO4-। तो इसका भी टू चार्ज है, इसका भी टू चार्ज है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला वो क्या रहेगा, MgSO4। मान लो आपने दूसरा एग्जांपल आपने लिखना है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के लिए हमें सोडियम लेना पड़ेगा, तो सोडियम के ऊपर चार्ज होता है वन, वो हम कर लिया प्रोडक्ट टेबल में, मैंने बताया था, इसीलिए बताया था, ये रहा आपका सोडियम, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस वन, ओके। तो उसके बाद जो सल्फेट है उसके ऊपर चार्ज तो आपने पता है माइनस टू है, तो क्रॉस करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा Na2SO4, ओके। अगर आपने लिखना है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ध्यान देना कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम वाले ग्रुप में ही होता है, तो उसके ऊपर चार्ज टू पॉजिटिव, इसलिए आपको थोड़ा एलिमेंट का आइडिया होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो मैंने टेबल इसीलिए बनवाया था, थोड़ा दिमाग में वो फिक्स हो जाए। हाइड्रोजन सल्फेट ऊपर किया है HSO4- होता है, तो अब इसको क्रॉस कर देंगे, इसका चार्ज टू है, उसका चार्ज वन है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा CaHSO4-, ठीक है, समझ लो ना बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एसिड रहता है वो है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अगर हमने वो हटा दी तो ये बन जाएगा NO3-, तो इसका नाम होता है नाइट्रेट आयन। आपको डायरेक्ट चार्ज क्रैम नहीं करना, याद नहीं करना, आपको ये देखना है कि वो आयन कहाँ से आया है। नाइट्रेट पूछा है तो आप ये नहीं याद करोगे कि नाइट्रेट के ऊपर माइनस वन, इसके ऊपर माइनस टू, इसके ऊपर, ऐसे याद नहीं करोगे। तो इसमें से एक ऑक्सीजन मैं कम कर देता हूं तो ये बन जाता है नाइट्राइट आयन, बस इतना सा काम। अगर आपको फार्मूला पूछ लिया कि भाई सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखेंगे,
तो आप सोडियम Na पॉजिटिव होता है आपको पता है प्रेडिक्टेबल में से, और नाइट्रेट आपका आ गया NO3 नेगेटिव, दोनों के ऊपर चार्ज 1-1 है, तो आपका जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा NaNO3। अगर वो पूछता है कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला कैसे लिखोगे, तो कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, तो आप क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा CaNO3 ट्वाइस। तो ऐसे आसानी से फार्मूले बनते जाएंगे। अगर नाइट्राइट बोलता है, ठीक है, मान लो वो कहता है आप फार्मूला लिखो पोटाशियम नाइट्राइट का, तो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप में है, नाइट्राइट आपका ये रहा NO2 नेगेटिव, चार्ज सेम है दोनों के ऊपर, तो आपका फार्मूला सीधा सीधा क्या बन गया KNO2। नेक्स्ट जो एसिड मैं करवा रहा हूँ वो है हमारा H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इससे जो मेन आयन बनेगा वो बनेगा PO4 3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन। तो फास्फेट आयन फास्फोरिक एसिड के 3 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मिलेगा। तो अगर उसने फार्मूला पूछ लिया, सपोज कि आप फार्मूला लिखो कैल्शियम फॉस्फेट, तो आप ट्राई करो, तो कैल्शियम दूसरे ग्रुप में होता है 2 पॉजिटिव हो जाएगा, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव होता है, तो चार्ज को क्रॉस कर दो इनका, तो ये बन जाएगा CA3 ओके, एंड PO4 का हो जाएगा ट्वाइस, तो ये बन गया आपका कैल्शियम फॉस्फेट। आगे कुछ और एग्जांपल्स, तो उसके बाद हमारे पास आता है HCl, वो तो आसान है, चलो तो प्रेडिक्टेबल सी हो जाएगा। देखिए अगर आप इसका एच हटाते हो तो क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन, तो वो तो प्रेडिक्टेबल में हमें पता ही है कि क्लोरीन का जो है वो -1 होता है। अब हम आ जाते हैं H2O वाटर पे। अब अगर वाटर को मैं एच दे दूं, अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर भी की थी, तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। अगर इसे H ले लूं तो ये बन जाता है OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। अब OH नेगेटिव नेगेटिव किसके ऊपर रहेगा, O के ऊपर, क्यों, क्योंकि आप ऐसे बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसने तो 1 बॉन्ड एक बॉन्ड बना ही रखा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड 1 है, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, O के ऊपर। इसे फॉर्मूले लिखने जैसे आपको दे दिया भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो Al3 पॉजिटिव होता है, पीरियोडिक टेबल में हम कर चुके हैं, बोरोन फैमिली में है ये, और हाइड्रोक्साइड आयन हमारा OH नेगेटिव होता है, चार्ज को क्रॉस करेंगे तो ये आपका AlOH3 फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही अमोनिया जो है, अमोनिया को अगर हम एच दे दें तो वो बन जाता है अमोनियम आयन, और अगर हम एच इससे ले लें तो वो बन जाता है अमाइड आयन। ये आपको फॉर्मूले हो सकता आते हो, लेकिन जो आपने आपको सिखाया गया है वो मेथड सही नहीं है, तो आपको उसके बेस तक जाना था, जो आगे प्रॉब्लम ना आए। तो अगर मैं कहता हूं आपने लिखना है अमोनियम ब्रोमाइड, तो इसका फार्मूला अमोनियम आयन यहां से आ गया
ब्रोमाइड हैलोजन होते हैं, Br नेगेटिव होगा। दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है तो आपका सीधा सीधा फार्मूला क्या बन जाता है, NH4Br। अगर वो कहता है लिखने को कि आप फार्मूला लिखेंगे सोडियम अमाइड, वैसे इसको डायरेक्ट में शॉर्टकट में सोडामाइड बोलते हैं, तो उसमें सोडियम लेंगे, अमाइड क्या होता है NH2 नेगेटिव, दोनों के ऊपर अब चार्ज सेम है तो ये फार्मूला आपका हो जाता है NaNH2। ठीक है, तो अब अगर कुछ कंपाउंड में दे रहा हूं उसका आप फार्मूला लिखोगे, फर्स्ट इज कैल्शियम सल्फाइड, सेकंड इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, थर्ड इज कैल्शियम फॉस्फाइड, फोर्थ इज एल्युमिनियम नाइट्राइड, फिफ्थ इज से मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलो ये पहले पांच करते हैं, आप वीडियो को थोड़ा रोक लो और अपने आप लिख के देखो, फिर मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कि कैसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट इज कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड क्या होता है, सल्फेट क्या था, सल्फेट था हमारे पास, अब पिछले पेज पे जाएंगे तो ये था हमारा सल्फेट आयन, इसमें मैं एक ऑक्सीजन कम कर दे हूं SO3 नेगेटिव, तो इसका नाम बन जाएगा सल्फाइड आयन, दिस विल बी योर सल्फाइड आयन। तो इसको यहां अप्लाई करेंगे, Ca2 पॉजिटिव होता है बिकॉज कैल्शियम इज प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप, SO3 नेगेटिव, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो सीधा फार्मूला क्या बन जाएगा CaSO3। दूसरा मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड का मतलब होता है ओनली N, तो Mg के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज मैंने बताया था फर्स्ट पेज पे, तो वो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज था, ये देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है -3, यहाँ -3 लेंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा Mg3N2। तो ये वर्ड्स थोड़े से एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे नाइट्राइड नाइट्रेट नाइट्राइड, ये चीज देखिए, ये है हमारा नाइट्राइड ट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइड, अगर नाइट्राइड है तो ओनली N, ऐसे ही फॉस्फाइड 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 का मतलब ओनली P, तो कैल्शियम दूसरे ग्रुप में है Ca2 पॉजिटिव, फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाली फैमिली में ही है तो 3 नेगेटिव, तो फार्मूला फिर आपका क्या बन गया Ca3P2। अब ये अगेन नाइट्राइड, तो नाइट्रोजन रहेगा, एल्युमिनियम जो है वो 13th ग्रुप में है 3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन जो है उसका 3 नेगेटिव, तो सेम चार्ज हो गया तो फार्मूला बन जाता है AlN। लास्ट है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब कार्बोनेट कहां से आता है, तो जैसे H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ओके, तो इसमें से मैंने एक H हटा दी तो वो बन गया HCO3, दिस इज योर बाई कार्बोनेट आयन। अगर दूसरी भी H हटा दू तो वो बन जाता है CO3 नेगेटिव, तो ये बन गया आपका कार्बोनेट आयन।
तो यहाँ पे कार्बोनेट हम ये यूज करेंगे, Mg के ऊपर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट के ऊपर आपका 2 नेगेटिव चार्ज है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा MgCO3। तो ये होता है सिंपल सा मेथड किसी का भी फार्मूला लिखने का। तो उसके अलावा नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब मान लो आपको फार्मूला लिखना है अगेन मैग्नीशियम फास्फेट नंबर 2, सोडियम एसीटेट नंबर 3, सोडियम ऑक्सीलेट नंबर 4, पोटाशियम नाइट्राइट, ओके। उसके बाद पांचवा है, सपोज कर लो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। सिक्स है कैल्शियम एसीटेट। सेवेंथ है सपोज वी आर टेकिंग मैग्नीशियम फॉर्मेट। तो अब इनके फार्मूले आप वीडियो को रोक लो और लिखो, फिर मैं इसके साथ मैच करोगे। तो फर्स्ट इज मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव, 2 और 3, तो आपका फार्मूला बन जाता है Mg3 एंड PO4 ट्वाइस, ओके। नाउ कम टू एसीटेट। एसीटेट जो है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिटिक एसिड, यू नो दिस इज एसिटिक एसिड। इसका आप ये हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, दिस इज एसीटेट आयन। तो अगर उसने सोडियम एसीटेट बोला है तो Na पॉजिटिव के साथ ये एसीटेट आयन हो जाएगा। चार्ज इसका भी 1 है उसका भी 1 है, तो सेम इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं CH3COONa, दिस इज योर सोडियम एसीटेट। सीधे सीधे एसिटिक एसिड में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, सोडियम से करोगे तो सोडियम एसीटेट, पोटाशियम से करोगे तो पोटाशियम एसीटेट। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीलेट, ये एसीटेट आपका यहाँ पे भी है, इसको भी कर लें। तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एसीटेट के ऊपर आपका हो जाएगा CO नेगेटिव। आप देखिए इसका 2 उसका 1, तो इसको लिखेंगे कैसे, CaCH3COO2, या इसको कैसे लिख सकते हैं CH3CO ट्वाइस, कैल्शियम पीछे एक ही बात है वो। तो ऑक्सीलेट होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो अब ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CO नेगेटिव, इसको हम कैसे लिखेंगे C2O4 2 नेगेटिव। सो दिस इज योर ऑक्सैलेट आयन। सो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑक्सैलेट आयन कहां से आया, डायरेक्ट इसको रट्टा नहीं लगाना। तो सोडियम ऑक्सीलेट है, तो सोडियम के ऊपर तो प्लस 1 चार्ज हो गया, इसके ऊपर हमारा 2 चार्ज हो गया, तो ये बन जाएगा Na2C2O4। Na भी 2 हो गए, C2O4 एक ही एंटिटी है, तो इसको
एक ही चीज है उसके ऊपर टोटल चार्ज माइनस टू है। नाइट्राइट तो सीधा सीधा है आपका के एन ओ टू था नाइट्राइट, पहले भी हो चुका है शायद। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट में क्या लिखेंगे, कैल्शियम टू पॉजिटिव है, हाइड्रोजन सल्फेट ये होता है, टू चार्ज वन चार्ज, तो आपका सी ए एच एस ओ फोर ट्वाइस, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। फॉर्मेट लास्ट, ये बना है फॉर्मिक एसिड से, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इसमें से ये वाली एच जाएगी जो ओ के साथ है, तो ये जो पीछे बचेगा इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन, या आप ऑर्गेनिक में भी करोगे फॉर्मेट आयन। तो अगर मैग्नीशियम फॉर्मेट है तो आपका एम जी टू पॉजिटिव फॉर्मेट आयन एच सी ओ ओ नेगेटिव, तो इसका एक इसके दो, तो ये बन जाएगा एम जी एच सी ओ ओ ट्वाइस, ये बन गया आपका मैग्नीशियम फॉर्मेट। तो ये थे कुछ नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में मैंने बताया कि उनका बेस कहाँ पे है। आप लोगों ने किया होगा पहले भी, लेकिन आपने चार्ज डायरेक्टली याद किया होगा कि इसके ऊपर टू नेगेटिव है, इसके ऊपर वन नेगेटिव है, लेकिन इसको सही में करने का मेथड ये है, आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि कहाँ से कटायन आ रहा है, कहाँ से पूरा नायन आ रहा है, फिर उसका फार्मूला बनेगा। कल हम आगे और कुछ बेसिक केमिस्ट्री करेंगे, इतना आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।